आज हम फिर से हाजिर हैं घिया की एक बड़ी ही हेल्दी रेसिपी लेके आप सोचते होंगे कितना घिया खाते हैं यार ये मेरी मम्मा बनाती है इतना यम्मी और हेल्दी है कि इसको खाने हम मना ही नहीं कर सकते घी को तो आगे मेरी मम्मा समझाएँगी इस रेसिपी को कैसे बनाना जल्दी से बनाते हैं इसको तो इसके लिए हमने लिया यहाँ एक घी है लौकी हमने लौकी ली है इसको छील कर धो अच्छी तरह से हमने दो पीसेस मैंने कट कर लिया है तो यह हमने लिए हैं कुछ टमाटर प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची तो ये अदरक लहसुन मिर्ची और प्याज ये सारा कट्ठा ही ग्राइंड कर लेंगे अलग से और टमाटर को अलग से ग्राइंड कर लेंगे दोनों का अलग अलग पेस्ट बना लेते हैं तब तक इस घिया को हम करते हैं ग्रेटर से ग्रेट छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है और ये ग्रेट करने के बाद ना इसमें से हमने इसका सारा का सारा पानी निचोड़ लेना है अगर हम इसका पानी नहीं निचोड़ेंगे तो फिर हम इसमें बेसन डालते ही रहेंगे इसका डो बनकर तैयार नहीं होगा इसीलिए इसका पानी निचोड़ना बहुत ज़रूरी है तो हमने पानी निचोड़ लिया इसको एक बाउल में हमने डाल लिया इसमें हम डालेंगे पाँच टेबल स्पून बेसन अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप दो टेबल स्पून चावल आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं पर बेसन से ही ये बहुत अच्छी बन जाती है तो इसलिए हमने पाँच टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड कर दिया अभी हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले गाइज अगर आपने हमारी घी की वो पहली वाली रेसिपी नहीं ना देखी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी यहाँ मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया एक छोटी चम्मच नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग गाइज आप जो मसाले खाते हो आप वो डाल लेना इसमें और एक्स्ट्रा और जो नहीं खाते वो स्किप कर लेना यहाँ से गर्म मसाला डाल दिया हमने आधी छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच हमने डाला है इसमें हल्दी पाउडर आप इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं पर मैं इसमें ज्यादा मसाले नहीं डालने वाली हूँ तो ये हमने एक डो टाइप का इसको बना लिया डो बन गया तैयार हो गया तो अभी हम क्या करेंगे हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा तेल गाइज ये डो बिना पानी डाले हमने बनाया बिकॉज लौकी का नेचुरल वाटर ही इसमें यूज हुआ है जब हम नमक डालते हैं लौकी में तो लौकी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है तो यहाँ हमने एक प्लेट ली है थाली, थाली उसको हमने तेल से ग्रीस कर लिया है तो अभी हम क्या करेंगे हाथों तो में तेल लगा कर छोटे छोटे से इसके बॉल बना लेंगे आप अपने हिसाब से बॉल इसके छोटे बड़े कम कर सकते हैं तो, तो बस मैं इसी हिसाब से इसके बॉल बना रही हूँ तो ये सारे बॉल बना कर हमने रेडी कर लिए हैं ये देख सकते हैं आप तो इनको करते हैं साइड पे यहाँ हमने तेल लिया बड़े दो चम्मच सरसों का तेल मैंने लिया उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है तो अभी हम डालेंगे इसमें एक छोटी चम्मच जीरा और पिंच चोप डालेंगे इसमें हींग आप सोच रहे होंगे आप हर सब्जी में हींग डालते हैं जी हाँ हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है इसीलिए मैं हर सब्जी में यूज करती हूँ और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सब्जी का जब हम हींग डालते हैं सब्जी में तो ये चटक चुके हैं दोनों चीजें अभी हम डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन मिर्ची और प्याज का जो पेस्ट बना कर रखा था और इसको अच्छी तरह से मसाले को हमने भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे ममा जैसे कोई प्याज वगैरह कट करके डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं हाँ, या फिर कर, ऐसे पीस के ज़्यादा टेस्टी लगता है कट करके भी डाल सकते हैं और अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल लो ये हमने टमाटर ग्राइंड करके रखे थे तो टमाटर टमाटर भी डाल देते हैं इसमें और इसको हम पकाएंगे नहीं ज्यादा इसको हमने हल्का सा पकाना है थोड़ा सा इसको चलाते हुए हमने इसको पका लेना और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम पानी तो मिक्स हो चुका है बहुत अच्छी तरह से सारा मसाला थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी वही एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे टाइम हमारा बहुत ज़्यादा सेव होगा गाइज हमारी रेसिपीज़ आपको जितनी हेल्दी होती हैं उतनी ही टाइम सेविंग भी होती हैं हमारी रेसिपीज़ आप देखिए नहीं तो हमें क्या इस हमारा टाइम वेस्ट होता हम पहले उसको अलग से स्टीम करते हैं फिर अपना मसाला तैयार करते हैं ये मम्मा ने टेक्निक बड़ी सही चूज़ की कि साथ में स्टीम भी हो जाए और साथ में हमारा मसाला भी तैयार होके पक जाए तो ये हमने एक कटोरी ली उसको मसाले के बीचों बीच हमने रख दिया और उसमें मैंने डाल दिया पानी तो अभी हमने जो बोर्ड बना कर रखी थी थाली में वो थाली हम उठाएंगे सीधा रख देंगे बीचों बीच इसके और इसको हम ढक देंगे दस मिनट के लिए और हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है इधर हमारा मसाला भी पक जाएगा और ये भी पक कर तैयार हो जाएंगे हमारे कोफ्ते भी अब इसमें डालेंगे हम दूध के ऊपर जो आती है ना फ्रेश फ्रेश सी मलाई वो आप दही भी यूज़ कर सकते हो तो इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले यहाँ मैंने जीरा पाउडर डाला आधी छोटी चम्मच एक छोटी चम्मच भर के मैं डाल डाली इसमें धनिया पाउडर आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले तो ये इनकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है एक छोटी चम्मच भर के और हल्दी डाल देते हैं इसमें आधी छोटी चम्मच और ये मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स करने इस मलाई के साथ मम्मा हमने हमने मसाले जो है वो जब हमारे टमाटर पक जाएंगे तब क्यों इसमें मलाई में क्यों डाले हमने मलाई में, में जब मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले में मिक्स करेंगे ना जब पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेक्चर देती है क्रीमी टेक्स्र आता है हमारी ग्रेवी का तो ये देखिए हमने निकाल लिया इधर हमारा मसाला भी भून कर तैयार हो चुका है तो अभी हमने जो मसाले घोल कर रखे थे मलाई वाले वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे मसाले को हम का अगर आप दही डाल रहे हो ना तो दही डालते डालते आप इसको अच्छे से हिलाते जाना ताकि तो दही फटे ना और गैस की फ्लेम हो सके तो या तो बंद कर लेना जहाँ फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे दही को डालना क्योंकि दही जो है बहुत जल्दी फट जाता तो ग्रेवी जो अच्छी नहीं लगती देखने में तो ये मसाले डालकर इसमें अभी हमने जो कटोरी में पानी रखा था ना हमने बीच में स्टीम करने के लिए कोवतों को वो पानी हमने थोड़ा सा डाला है और ये देखिए मसाला हमारा पक रहा है तो थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी तो अभी हम और मसाले इसमें ऐड करेंगे जो हमने नहीं डाले थे नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको हमने पकाना है अच्छी तरह से गाइज है ना कितनी हेल्दी रेसिपी और ये गर्म मसाला डाल दिया हमने आधी छोटी चम्मच वैसे आप इसको लौकी के कोफ्ते भी बोल सकते हो लेकिन एक हेल्दी स्टाइल में कोफ्ते वैसे फ्राई करके बनते हैं पर ये बिना फ्राई किए हुए हमारे बनकर रेडी होंगे और टेस्टी इतने लगते हैं कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो इसमें हमने डाल दिया पानी थोड़ा सा और तो ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप जैसी भी पसंद करते हैं उसी हिसाब से जो मैं कोफ्ता आपको एक तोड़ कर दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट कोफ्ते बनकर रेडी हुए हमारे अगर हेल्दी ऑप्शन में हमें बढ़िया सब्जी मिल जाए तो फिर क्या बात और गाइज़ आपके घर में जिनको घिया या लोग नहीं पसंद ना वो मांग मांग के खाएंगे क्योंकि हमारे घर में हमें घिया नहीं पसंद था मम्मी जब इस टाइप से बनाती है ना तो हमें दिल करता है कि बस हम रोज़ यही खाते रहे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें साथ में कमेंट ज़रूर करना कि आपको रेसिपी कैसी लगी देख सकते हैं आप हमारी ग्रेवी जो है कोफ्ता की ग्रेवी उसका कितना अच्छा टेक्स्चर आया अभी हमने डाल दिया इसमें धनिया और चार से पाँच मिनट हमने पकाया था पानी डालकर तो ये बनकर हो चुके रेडी गर्मा गर्म करते हैं इनको सर्व और अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं धनिया को हम ग्रेवी के साथ गाई जब आप ये कोफ्ते खाओगे ना ग्रेवी में से तो ये आपके मुंह में एकदम घुल से जाएंगे इतने टेस्टी बनते हैं रेसिपी लगी हो अच्छी चैनल को करना सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है ये सब्सक्राइब करना चैनल को और साथ में ऑल का बटन भी प्रेस कर देना जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही हेल्दी और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए